हाय, इस वीडियो में मैं साइंस के एक बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा कि लीप ईयर के अंदर 29 डेज का फरवरी क्यों होता है। सो, इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये छोटे से डायग्राम का मतलब ये है कि हम यूनिवर्स का एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें सन और अर्थ ही शो करेंगे हम। सन सेंटर में होता है यूनिवर्स के, सन एक स्टार है और इसके अंदर गैसेस बर्न करती है जिसकी वजह से ये लाइट और हीट इमेज करता है। इसके चारों में इलेक्ट्रिकल पाथ में अर्थ रिवॉल्व करता है। ये रहा अर्थ। अगर मैं बनाना चाहूँ अर्थ जो है टिल्टेड होता है, सो ये नॉर्थ पोल कह लीजिए, इसको साउथ पोल कह लीजिए और ये भी अपनी एक्सेस पे रोटेट करता है जिसकी वजह से डे और नाइट फॉर्म होता है। बचपन से हमने पढ़ा है और आपको भी पढ़ाया गया है कि जब सन जो है उसके चारों ओर अर्थ रिवॉल्व करती है तो एक रेवोल्यूशन में 1 ईयर का टाइम पीरियड लगता है या 365 डेज लगते हैं। आप ये मानते हो बात। अब 365 डेज लगते हैं, जैसे ही फैक्ट आपको पता पड़ता है तो फैक्ट के हिसाब से एक्चुअली वो 365 डेज नहीं लगते। अर्थ को सन के चारों ओर एक रेवोल्यूशन में 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम पीरियड लगता है। 6 आवर एक डे जो होता है वो 24 आवर्स के बराबर होता है या अर्थ का पूरा एक रोटेशन। अब यहां पे एक बेसिक चीज आप ध्यान रख लीजिए, वो ये कि 1 complete day इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, पर आपके पास एक ईयर में एक्स्ट्रा जो टाइम आ रहा है वो 6 आर का आ रहा है। अब ये तो 1 ईयर के अंदर फिक्स नहीं हो सकता है, इसके लिए इसको अलग कर दिया और 365 डेज का ही ईयर कंसीडर किया, राइट। अब हुआ ये कि आपके पास एक्स्ट्रा, आपके पास कितना है टाइम, वो है 6 आर। अब इसके बाद क्या हुआ, सेकेंड ईयर एक और रेवोल्यूशन हुआ, उसमें आपको बस एक्स्ट्रा कितना 6 आवर और मिला। इसके बाद में एक और चक्कर थर्ड ईयर के बाद, टोटल कितने अब हो गए अपने पास में एक्स्ट्रा 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स, 18 आवर्स एक्स्ट्रा हो गए। अब उसके बाद में फोर्थ ईयर में जब एक एक्स्ट्रा 6 आवर आता है तो ये टोटल अब कैलकुलेट करें तो 6 आवर प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर 6 आवर इक्वल्स टू 24 आवर्स, जो होता है एक दिन के बराबर, 1 डे के बराबर हो गया। अब आपको पता पड़ गया कि फोर्थ ईयर जब होता है तो हर 3 साल के बाद में, आफ्टर एवरी 3 ईयर्स जब फोर्थ ईयर होता है तो उसके अंदर 366 डेज का एक ईयर होता है और यही लीप ईयर है। और ये जो एक्स्ट्रा 1 डे है उसको अकोमोडेट किसमें करते हैं, फरवरी के मंथ में करते हैं, क्योंकि फरवरी के मंथ के अंदर 28 डेज ही होते हैं, बाकी में या तो 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं। तो इसमें किया है 29 डेज
अब आपको पता पड़ा बच्चों कि कैसे लीप ईयर हर फोर्थ ईयर मतलब 3 ईयर्स के बाद में आता है और उसके अंदर 29 डेज होते हैं फरवरी के मंथ में। तो ये एक्चुअल में इसका बेसिक रीजन ये है कि एक अर्थ के रेवोल्यूशन में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। 6 आवर्स अपने आप में कंप्लीट वन डे नहीं होता है, तो इस वजह से उसको पूरा 24 आवर्स बनने में 4 ईयर का टाइम लगता है। और आपको सिंपल ये पता लगाना है कि कौन सा वाला ईयर लीप ईयर है और कौन सा नहीं है। तो जितने भी ईयर हैं ये हर किसी को बताया जाता है, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जैसे 2000 का ये लीप ईयर है, 2001 ये लीप ईयर नहीं है, 2002 ये नहीं होगा, आपको पता है कि इसके बाद सीधा 2004 होगा, लेकिन आपको क्या पता नहीं कौन सा होगा, पहला वाला मैंने दिया। अगर किसी ईयर में 400 से अगर वो डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। ये एक सिंपल था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और वेट फॉर माई